नमस्कार, मैं हूं पायल गुड़ियाल। स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। तो चलिए दिन भर की बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। पहली खबर से, दिल्ली के उपराज्यपाल पद से अचानक इस्तीफा देने वाले नजीब जंग पहुंचे पीएम कार्यालय। नजीब जंग का इस्तीफा अभी भी मंजूर नहीं हुआ। इससे पहले दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने राजनिवास पहुंचकर उपराज्यपाल से की थी मुलाकात। संसदीय समिति की हुई बैठक, बैठक में बताया गया कि किस तरह नोटबंदी देश भर में लागू की गई और अपने आने वाले दिनों में किस तरह देश की अर्थव्यवस्था पर इसका सकारात्मक प्रभाव होगा। वहीं वित्तीय मामलों की संसद की स्टैंडिंग कमेटी के सामने आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल 19 जनवरी को होंगे पेश। मणिपुर में 53 दिनों से जारी आर्थिक नाकेबंदी की वजह से बिगड़ते हालात का जायजा लेने गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ पहुंचे इम्फाल। नोटबंदी के 45वें दिन भी बैंकों के बाहर लगी लाइनों पर वित्त राज्य मंत्री संतोष गंगवार ने कहा कि नोटबंदी पर लोग कुछ भी कहें, लेकिन लाइनें काफी ठीक हो गई हैं। साथ ही कहा, मैं भी कई स्थानों पर गया हूं, लोगों की नाराजगी धीरे धीरे कम हो रही है, अब लोग नाराज नहीं हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने गृह मंत्रालय के तबादले और नियुक्तियां संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी। वहीं प्रशासन में व्यापक फेरबदल करते हुए राज्य के 54 पुलिस अधिकारियों के किए गए तबादले। गुजरात में हाई प्रोफाइल दारू पार्टी पर पुलिस ने मारा छापा। इस पार्टी में इंडियन प्रीमियर लीग के पूर्व चेयरमैन चिरायू अमीन सहित 200 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। वहीं पुलिस ने पार्टी से 15 पेटी विदेशी दारू को अपने कब्जे में लिया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीएम मोदी के खिलाफ खोला मोर्चा। कहा, उनकी तृणमूल कांग्रेस 1 जनवरी से मोदी हटाओ देश बचाओ नारे के साथ सड़कों पर उतरेगी। राहुल गांधी के हालिया आरोपों पर केजरीवाल ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा, क्या कांग्रेस और बीजेपी ने 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले कोई समझौता किया था, जिसके चलते कांग्रेस ने इस मुद्दे को पहले नहीं उठाया। दिल्ली के एक कोच ने जाली नोटों की तस्करी के मामले में अंसारी और शारदा शंकर महतो को 5-5 साल की सजा सुनाई। बता दें कि अप्रैल 2014 में आईजीआई हवाई अड्डे पर 1,000 रुपए के 4,988 जाली नोटों के साथ पकड़े गए थे। दिल्ली में कस्तूरबा गांधी मार्ग पर कोटक महिंद्रा बैंक में इनकम टैक्स विभाग ने की छापेमारी। 2 खातों से 38 से 40 करोड़ रुपए सफेद करने के शक पर की गई जांच। दिल्ली समेत भारत के अधिकांश इलाकों में सर्दी का सितम बढ़ा। वहीं घने कोहरे के कारण 42 ट्रेनें हुई लेट, जबकि 4 ट्रेनों के समय में किया बदलाव। राजस्थान के जयपुर में एटीएस के एडिशनल एएसपी आशीष प्रभाकर ने खुद को गोली मार कर किया सुसाइड। बता दें कि सुसाइड से पहले अफसर ने अपनी महिला दोस्त की हत्या कर फिर खुद को मारी गोली। दरअसल जिस कार में प्रभाकर ने खुदकुशी की, उसी कार में एक महिला का शव भी बरामद किया गया। सऊदी अरब ने जाली नोटों के गिरोह के सरगना अब्दुल सलाम को वापस भेजा भारत। यहां आईजीआई हवाई अड्डे पर उसके पहुंचने पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने उसे किया गिरफ्तार। बता दें कि 23 जुलाई 2015 को अब्दुल सलाम सहित 5 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र किया था दाखिल। आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर के अवार्ड्स में टीम इंडिया के स्टार स्पिनर आर अश्विन को साल का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर और सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर चुना गया। वहीं आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर बनने पर अश्विन को मिली बधाई। सुपरस्टार आमिर खान की फिल्म दंगल हुई रिलीज। इस फिल्म की तुलना सलमान खान के सुल्तान से हो रही है, क्योंकि दोनों फिल्में कुश्ती पर बनी है। वहीं सलमान खान ने अपने परिवार की प्रतिक्रिया को खुद ट्वीट करके कहा, उन्हें लगता है कि ये फिल्म सुल्तान से बहुत ही ज्यादा अच्छी है। फिलहाल हमारे साथ बड़ी खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।